हेलो फ्रेंड्स, विमल कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ साग। साग मैंने तीन तरह का लिया है, सरसों का साग, बथुआ और पालक। तीनों को मैंने साफ करके धो लिया है अच्छे तरह से। अब इसे प्रेशर कुकर में डाल रखा है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। इसे रखते हैं गैस पे। गैस ऑन करके रखते हैं इसे। इसको लगाते हैं ढक्कन। चार सीटी आने तक, सीटी आने वाली है। लगभग चार सीटी हो चुकी, साग ठंडा हो चुका है। चेक कर लेते हैं। साग को मैश कर लेते हैं चम्मच की सहायता से। साग को फ्राई करने गैस ऑन करके रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं ऑयल, सरसों का, इसमें डालेंगे मेथी दाना, इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। इसमें डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ। और इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च तड़के के लिए।
अब इसमें डालेंगे मैश किया हुआ साग, इसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे, कटोरी दही ले लेते हैं, इसमें डालते हैं 2 चम्मच बेसन, इसे घोल लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ऐसे डालते हैं। बेसन के घोल को डालते हैं साग के अंदर, इसे करेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसमें डालते हैं लाल मिर्च, डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के अनुसार नमक, इसे लगा देते हैं ढक्कन। और अब बनाते हैं मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी बनाने के लिए एक कटोरी गेहूं का आटा, बेसन 1 कटोरी, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज भी बारीक कटा हुआ 1,
हरा धनिया, इसमें डालेंगे अजवाइन क्रश करके, इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़े से कलौंजी, इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, अब इसको करेंगे मैश अच्छी तरह से, क्योंकि प्याज है, पहले मैश करेंगे अच्छी तरह से प्याज को। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, इसे इस तरह गूंदना जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से गूंदना है। इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, मिस्सी रोटी का आटा गूंथ चुका है। और चेक कर लेते हैं साग को, साग चेक कर लेते हैं, साग 10 मिनट और पकेगा, ढक देते हैं। दस मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं।
साग बनके हो गया है रेडी। गैस करते हैं बंद। अब चलते हैं मिस्सी रोटी बनाने के लिए। गैस ऑन करके रख देते हैं एक पैन। अब मिस्सी रोटी बना लेते हैं, छोटी छोटी लोई लेके। आप अपने अनुसार ले सकते हैं लोई। सूखा आटा लगा के इसे बेलेंगे। ये रोटी थोड़ी सी मोटी ही होती है नॉर्मल रोटियों से। इधर तवा गर्म हो रहा है। इस पे लगाते हैं थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा धनिया चिपका देते हैं। अब डालते रोटियों को तवे पर। इसी तरह से दूसरी रोटी भी बना लेंगे। इसे लकड़ी के स्पैटला से इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। इसे दोनों तरफ से धीमी आंच पे तवे पे ही सेकेंगे। इधर से भी सिक गई, अब इधर से सेकते हैं। धीमी आंच पे दोनों तरफ से सेकते जाएंगे। वैसे तो ये रोटी चूल्हे पे सबसे अच्छी बनती है।
रोटियों को अच्छी तरह से दोनों तरफ से ही पकाएंगे। इसे उतार लेते हैं। अब दूसरी रोटी को डालते हैं। इसे भी पलट लेते हैं। इसे भी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। इसे भी पलट देते हैं। धीमी आंच पे पकाते हैं अच्छी तरह से। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पलट देते हैं दूसरी तरफ। अब इन दोनों रोटी पे मक्खन लगाते हैं। साग और मिस्सी की रोटी बनके गई है रेडी।